हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाइप डेफ की बात करेंगे। टाइप डेफ का यूज़ आपके डेटा टाइप्स को रीनेम करने के लिए यूज़ होता है। रीनेम करने का पर्पज़ क्या होता है? टू प्रोवाइड शॉर्ट एंड मीनिंगफुल नेम। तो आप जो आपके डेटा टाइप्स होते हैं उनको आपके रीनेम डेटा टाइप से भी रिप्लेस कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया स्ट्रक्ट स्टूडेंट। इसके अंदर हम स्टूडेंट की तीन पैरामीटर्स ले रहे हैं, नेम, रोल नंबर और एज। उसके बाद हम स्टूडेंट के वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते थे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट और फिर वेरिएबल नेम। अब अगर मैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट इसको रीनेम करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? टाइप डेफ मेरा कीवर्ड रहेगा, फिर स्ट्रक्ट स्टूडेंट जिसको मुझे रीनेम करना है, और फिर मेरा न्यू नेम। अब मैं जहाँ पर स्ट्रक्ट स्टूडेंट करके वेरिएबल डिक्लेयर करता था उसकी जगह केवल स्टूडेंट लिख के भी वेरिएबल डिक्लेयर कर पाऊँगा। जैसे मुझे अगर मान लो एक वेरिएबल डिक्लेयर करना हो ST1, एक ऑप्शन मेरा क्या था, स्ट्रक्ट स्टूडेंट और फिर ST1 मेरे वेरिएबल का नाम। अब क्योंकि मैंने स्ट्रक्ट स्टूडेंट को रीनेम कर दिया है स्टूडेंट से, तो मैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट की जगह स्टूडेंट यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट ST1, तो ये इसके इक्विवेलेंट होगा स्ट्रक्ट स्टूडेंट ST1। स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का एक ST1 वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। इसी तरह अगर मुझे स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप के कोई पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो मैं कैसे करता था, स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार और पॉइंटर वेरिएबल का नेम। इसी चीज़ को मैं टाइप डेफ भी कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं टाइप डेफ कर दूँ टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार पी स्टूडेंट, तो मैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार की जगह पी स्टूडेंट का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करता, स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार PTR। अब क्योंकि मैंने टाइप डेफ से उसको पी स्टूडेंट रीनेम कर दिया है, तो मैं इसकी जगह पी स्टूडेंट भी यूज़ कर सकता हूँ, पी स्टूडेंट PTR। ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार PTR। नाउ जो ये दो चीज़ें हैं, आपका स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन और फिर उसका टाइप डेफ, बेसिकली उसको रीनेम करना, ये आप कंबाइन करके एक साथ भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, टाइप डेफ पहले कीवर्ड दोगे आप, फिर जो आपको स्ट्रक्चर आपका डिफाइन करना है वो पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन करोगे, और लास्ट में जिससे उसको रीनेम करना है, टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट आपका उसकी डिक्लेरेशन और फिर स्टूडेंट। तो उसके बाद जब मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे इसके, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, स्टूडेंट ST1। तो आप इनको अलग अलग भी कर सकते हो और एक साथ स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन के टाइम पर ही उसको रीनेम कर सकते हो टाइप डेफ कीवर्ड का यूज़ करके। नाउ जरूरी नहीं कि टाइप डेफ का यूज़ आप केवल स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल्स के साथ ही करो, आप इनको किसी भी डेटा टाइप के साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मान लो मुझे अनसाइंड लॉन्ग इंट इसको रीनेम करना है, तो मैं टाइप डेफ की हेल्प से इसको भी रीनेम कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये काफ़ी लंबा नेम है अनसाइंड लॉन्ग इंट, मैं इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको क्या कर दिया, UL। तो जब भी मुझे अनसाइंड लॉन्ग इन टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे मैं क्या लिख सकता हूँ, UL, और फिर अपने वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर किया UL सैलरी इक्वल टू समथिंग, तो सैलरी मेरा किस टाइप का वेरिएबल हो गया, अनसाइंड लॉन्ग इन टाइप का। तो टाइप डेफ का यूज़ आप किस लिए करते हो, जो भी आपके डेटा टाइप्स हैं उनको रीनेम करने के लिए। अभी हम इसका एक कोड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, जो हमारा स्टूडेंट स्ट्रक्चर था उसको टाइप डेफ की हेल्प से रीनेम किया है। रीनेम करके हमने क्या बनाया है, एक तो नॉर्मल स्ट्रक्ट स्टूडेंट को रीनेम करके उसको किया है स्टूडेंट, और स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार को रीनेम किया है पी स्टूडेंट। इसका सिंटेक्स ये रहता है, आप नॉर्मली क्या करोगे, टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट उसकी डिक्लेरेशन, और लास्ट में जो आपको रीनेम करना है ये आपका हो गया स्ट्रक्ट स्टूडेंट का रीनेम। अगर आपको उसके पॉइंटर को रीनेम करना है तो कैसे करोगे, स्टार और फिर जो रीनेम रखना है वो। तो पी स्टूडेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार, और स्टूडेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट। उसके बाद मेन में हमने क्या किया, स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया ST1, जिसको इनिशियलाइज कर दिया राहुल 300 और 25 इन वैल्यूज से, फिर इन्हीं तीनों वैल्यूज को प्रिंट किया है। नॉर्मल वेरिएबल्स हम कैसे प्रिंट करते थे, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके, तो वही हमने यहाँ पर यूज़ किया है। उसके बाद हमने क्या किया है, एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने ST1 का एड्रेस दे दिया है। उसके बाद हमने इस पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प से इनको प्रिंट किया है। पॉइंटर की हेल्प से जब प्रिंट करते थे तो हम क्या यूज़ करते थे, एरो ऑपरेटर का, तो वही हमने यहाँ पर किया है, नेम, रोल नंबर और एज को प्रिंट किया है। अभी इसको हम रन करके देखते हैं। रन करने पर हमारा पहले ST1 से क्या प्रिंट हुआ, नेम, रोल नंबर और एज, फिर हमारे पॉइंटर वेरिएबल से प्रिंट हुआ वही नेम, रोल नंबर और एज। तो इस तरह से आप टाइप डेफ का यूज़ करके किसी भी डेटा टाइप को मीनिंगफुल नेम दे सकते हो। थैंक यू गाइस।